अस्सलामुअलैकुम अंकल, हम आपके दफ्तर के पीछे वाली बस्ती में रहते हैं। कुछ दिन पहले आप हमारे घर तशरीफ लाए ये देखने के लिए कि हम गरीब हैं या नहीं, ताकि आप हमारी मदद कर सकें। कुछ दिन बाद आप 5 लोगों के हमरा हमारे घर आए, हमें राशन दिया, अम्मी मेरे और भाई के लिए ईद के जोड़े दिए, तस्वीर बनवाई और चले गए। अंकल, आपको मालूम है जब मैं 4 साल की थी तो मेरे बाबा अल्लाह को प्यारे हो गए। बाबा के जाने के बाद दादी ने अम्मी को मार के घर से निकाल दिया। हम दर बदर की ठोकरें खाते रहे। अम्मी लोगों के घरों के बर्तन साफ करती, जो पैसे मिलते हैं उससे हम अपना पेट भरते हैं। अम्मी का पेट तो अमीर लोगों की गालियाँ सुन के ही भर जाता था, जिनके घरों में वो काम करते थे। कल अम्मी फिर रो रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। जब आंखों से आंसू खुश्क हो गए तो वो सो गई। मैं उठकर उनके पांव दबाने लगी। पांव दबाते दबाते मेरी नजर अम्मी के हाथों में अखबार पे पड़ी। अखबार में मेरी भाई और अम्मी की आपसे राशन और कपड़े वसूल करने वाली तस्वीर थी। मैं समझ गई अम्मी क्यों रो रही थी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इन तस्वीर की वजह से मोहल्ले वालों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया। जब हम कपड़े पहन के बाहर खेलने गए तो हमें भिखारी भिखारी कहकर तंग किया जा रहा था। अंकल, आपसे एक दरख्वास्त है कि अपने नए कपड़े और जूते वापस ले जाएं। अम्मी के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं होते। आपसे एक और दरख्वास्त है कि किसी गरीब की मदद किया करें तो उसकी तस्वीर अखबार में ना दिया करें। इसके बाद उसे जो तकलीफ होती है उसका आपको अंदाजा नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेकियां छुपाने और गरीब की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।